भाषा शिक्षण के इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीजीडीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की बात। असाइनमेंट के बारे में मैं पिछले सत्र में आपसे चर्चा कर चुका हूं, आज की चर्चा विशेष रूप से फोकस रहेगी, जी हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए, इग्नू ने पिछले वर्ष से अपने बदले हुए सिलेबस के अनुसार लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है और इसमें असाइनमेंट में आपके 5 पेपर हैं, 1 से लेकर के 5 तक। असाइनमेंट करने के बाद असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर में जमा करना है, लेकिन जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए इग्नू ने एक विशेष नियम बनाया है कि प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले उसका अनुमोदन लेना है, अनुमोदन लेने के बाद फिर उसको आपको दिल्ली भेजना है। अनुमोदन की प्रक्रिया भी थोड़ी सी जटिल है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको क्लिप के साथ बताता चलूंगा। इसके पहले यह बता दूं कि जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया, मतलब अभी एडमिशन जो लोग ले रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट जमा करने के लिए समय दिया गया नवंबर तक, अर्थात नवंबर के आखिरी तारीख तक आपका प्रोजेक्ट वहां इग्नू पहुंच जाना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया था, उनको मई 31 तक अपना प्रोजेक्ट भेज देना है इग्नू दिल्ली मैदानगढ़ी। अगर नहीं भेज पाए तो फिर आपका उसमें नंबर नहीं मिलेगा और आप पीछे लटके रह सकते हैं। अब यह जो प्रक्रिया है, सबसे पहले इसको कई चरणों में बांटा गया है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको एक सिनोप्सिस या फिर प्रपोजल या फिर प्रस्ताव बना करके इग्नू मैदानगढ़ी भेजना है। ध्यान रहे, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो परियोजना है, प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें ना तो आपको अपने स्टडी सेंटर से कोई मदद लेनी है, ना ही तो आपको उसमें स्टडी सेंटर से कुछ साइन कराना है। मैं आपको अगले क्लिप्स में कुछ दिखाऊंगा कि किस तरह का फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे आप और फॉर्म भर करके उसको आप इग्नू भेजेंगे। जब इग्नू आपका फॉर्म पहुंचेगा प्रपोजल और प्रस्ताव के साथ में, तो वहां वो लोग उसकी समीक्षा करेंगे, अगर उनको लगता है कि कुछ कमी है तो सुझाव का प्रस्ताव देंगे। फिर दोबारा आपको भेजना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है, वे इस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आज अगर आप भेजेंगे तो महीना भर लगभग लग जाएगा आपका वहां से अनुमोदित होकर आने के लिए। अगर कुछ कमी है तो एक महीना और, अर्थात जनवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च तक आपका परियोजना का अनुमोदन आएगा। परियोजना में आपको 8 से 10 हजार शब्दों का एक लेना है, जो भी साहित्य लेना है उसका विवरण भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 8 से 10 हजार शब्दों का आपको अनुवाद करना है परियोजना में, और 8 से 10 हजार शब्दों के अनुवाद में कम से कम ढंग से अनुवाद करेंगे तो आप मान करके चलिए कि 20 दिन तो आपको लगेगा ही ढंग से करेंगे, क्योंकि 40 नंबर आपको ले आना है पास करने के लिए। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है तो आपको इसी महीने अपना प्रस्ताव दिल्ली भेज देना है। अगर आप लोगों ने इस महीने एडमिशन लिया है या ले रहे हैं तो आपके पास अभी समय है, तो आपको प्रस्ताव भेजने के साथ साथ उसकी पूरी तैयारी कर लेनी है। आइए फिर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं कि आपको क्या क्या करना है। हाँ, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त कर दूं कि एक मिस्टर विवेक राठौर जी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि प्रोजेक्ट का यह विवरण होगा, और उन्होंने प्रोजेक्ट का जो पेपर है वो मुझसे साझा किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने वेब लिंक भी दिया, मैं ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला, वह वेब लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं साझा कर दूंगा, वहां से आप प्रोजेक्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, मैं आभारी हूँ मिस्टर मक हाशमी जी का, जो आजकल बरेली में है। उन्होंने MAT मतलब मास्टर्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज किया है, और उनसे भी मैंने सिनोप्सिस बनाने की कुछ जानकारी मांगी है, वह भी मैं आप लोगों से साझा कर दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन दोनों मित्रों को भी अपनी ओर से धन्यवाद कह दें अगर आपको यह सत्र लाभप्रद लगता है। तो आइए फिर हम आगे स्लाइड्स के माध्यम से बात करते हैं और आपको मैं दिखाता हूं।